आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, ये देखो इतने सारे मसाले, ये हम दुकान डालने लगे घर पे जाके। हम लोग आए हैं अंडे लेने के लिए, और जो कि पोमी तो जहर सी बात है सीजन भी है, इस वजह से भी रोज ही खाती है, तो वो वाली ले लो। मैं तो बोल रहा हूँ बेगम बड़ा वाला, वो जो पीछे पड़ा हुआ एक्सपायरी देख के। तो इस बार जो ग्रोसरी है वो मेरे हिसाब से हो रही है, और देखते हैं क्या हिसाब रहता है। ओए कहाँ चले गए? तो हमने ये इस बार हमेशा दो लेते हैं ये वाली, हम लेकिन इस बार हम एक लेंगे सिंपल सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा होता है। सिर्फ साबुन और छोटा वाला हैंड वॉश भी ले लेना, ठीक है छोटा वाला लेना। ये भी है, कुछ चेंज करके देखते हैं इस बारी। ब्लू वाला कहाँ है? लास्ट टाइम जो लिया था उसकी अच्छी थी खुशबू। लेंगे एक रूम स्प्रे और ये वॉशरूम के लिए। तो अभी ये लेगी यहाँ से अपने सारे मसाले, क्योंकि आगे क्रिसमस है, खाना वगैरह घर पे बनाने की ज़रूरत होगी। मैं बोला जितने भी मसाले ना मेन आए मसालों की वजह से ही है, ले ले तो कुछ चलते। आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो इतने सारे मसाले, ये हम दुकान डालने लगे घर पे जाके। यहाँ से आ गया हमारा गरम मसाला। भाई मुझे तो पक्का लग रहा है कि हमारी दुकान बनेगी घर पे, और सही है, जितने भी फ्लैट वाले सबको बोलेंगे हमसे लेना। सही है, जो मसाला चाहिए, जो घी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, लेकिन ये जितनी भी ग्रोसरी हो रही है ये मेरे हिसाब से हो रही है। मैंने उनको बताया कि इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें लेंगे। याद नहीं आ रहा कि और क्या लेना था, और यहाँ से लाल मिर्ची लेनी थी बेगम, और तो कुछ नहीं लेना, सारे मसाले तो वो रहे, ले लिए। अब मेरे ख्याल से हमने वहाँ पर जाना है, और चावल दाल चीनी जो कुछ भी ये रहता है वो लेके आते हैं। सॉल्ट हमारा ख़त्म हो गया था, फाइनली मिल गया। एक लेनी है यहाँ से चने की दाल, ये वाली लेनी, ये लेनी है। दालों के डिसीजन में नहीं था मैं, दालें इसने ली है वाइट वाली, सब कुछ ले लिया था, बस एक चीज़ रह गई है यहाँ की साइड पे, खीर बस। और क्या लेना है? कस्टर्ड तो नहीं ना, गुलाब जामुन बनाएगा। अरे वाह क्या बात है, मीठा इसने खाना ही नहीं है, गुलाब जामुन की जगह वो पर्पल जामुन बन जाएंगे। ठीक है चले चलते हैं अभी। तो इस महीने कुछ राशन नहीं है, दो चीज़ें रह गई हैं। और पोमी कितना बिल बनेगा आप बताओ? 5। हमेशा हमारा बिल पे होता ही है 5। 5 का तो कल ये लाइबो शाइबो ही बन जाएंगे, देंगे मेरे हिसाब से। नहीं नहीं करते 10,000। जूसी से अभी अलग चीज़ें नहीं है, बहुत कुछ जूसी से नहीं ली, मतलब लिमिट में ली है। पहले हम एक एक दो दो चीज़ एक्स्ट्रा ले लेते थे, अब एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं ली, देखते हैं। तो जी फाइनली हम लोगों ने जो ना ग्रोसरी कर ली है, और कर कर आते फिर बात हो, ये चीज़ें फिर दिखती हैं तो नज़र आती है, तो फिर ज़रूरत की चीज़ें लेनी पड़ती है, ले लिए। वैसे माशाल्लाह हम लोग दो लोग हैं, लेकिन हम लोग राशन जो है ना पूरे 4-5 जनों का लेते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन हाँ, चलता सही चल जाता है, बार बार लेके आने से बेहतर है इंसान। अब दो महीने बाद आए ना हम लोग, अब 2 महीने बाद आए पूरे, तो इसलिए यहाँ पे हमारी ग्रोसरी हो गई है। कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से जो हमने नहीं ली होंगी, जो एक्स्ट्रा पापड़ हो गया, या मेरे ख्याल से वो डिटोल के वगैरह एक पैकेट लिया होगा, 2 नहीं लिए होंगे, और भी कुछ चीज़ें होंगी। बाकी इसकी जगह शैम्पू इस बारी लग गए, उन लोगों ने ले ली क्योंकि छोटे वाले लिए होंगे, क्योंकि दोनों के अलग अलग हो गए। मेरा एक महीना चल जाएगा, इसका भी चल ही जाएगा 2 हफ्ते तक, क्योंकि बाल बड़े होते हैं इस वजह से। ऐसे बढ़ते जा रहे जैसे गाड़ी की ट्रेन चलती हो, टक 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 टक। साथ साथ टैक्स भी लगता जा रहा है, टैक्स 600 रुपया खाली टैक्स लगेगा। क्या बात है, इस टैक्स का कम कुछ फ़ायदा होता है हमें या नहीं? शॉपिंग हो गई, चले जी फाइनली ग्रोसरी हमारी हो गई। मैं आपको दिखाया है कि क्या चार्ज था इस महीने का, नहीं तो हमेशा हमारे मतलब 20-30-40 ऐसे ही होती है ग्रोसरी जब भी जाओ। लेकिन इस बार ही देख लो सामान भी मेरे हिसाब से कम है, लेकिन छोटा छोटा सामान लिया हमने इस बार ही, पूरा नहीं लिया। जैसे आपको बताते ना हमेशा 5 लोगों की एक साथ इंसान चीज़ लेता है मंथ की, हमने इस बार ही वो सिस्टम नहीं किया, तो सही है यार इतना नॉर्मली सही है अभी, क्योंकि अभी हम लोग का क्रिसमस है, थोड़ा सामान बड़ा भी हुआ है, तो मैं बोला चलो थोड़ी बहुत चीज़ें लेते कम, बड़ी तो काफ़ी चीज़ें हैं ना। जो चीज़ है वो हमने हाफ ली है, ऐसे ही ज़्यादा लिए, हाफ लिए ना, सही लिए ना। तो मैं तो यही बोलता हूँ हमेशा, ये चीज़ें तो हमारे घर में यूज़ होने वाली हैं, तो ये चीज़ें हमेशा ज़्यादा हो, ग्रोसरी भी ज़्यादा हो, राशन इंसान के पास, और क्या ज़्यादा हो। बोलते इंसान के पास हर एक चीज़ उससे बढ़ के ही हो जितनी वो मांगता है, मतलब डबल हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
तंगे नहीं आती इंसान को किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, वो चाहे घर की हो या बाहर की हो। चले जी व्यूअर्स, हम लोग जो ना ग्रोसरी करके आए थे, अभी चेंज किया और एक हैपन हुआ है वो आपको पता चल जाएगा पोमी के व्लॉग क्या हैपन हुआ है। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पर लाइट ऑन करके पोमी से बनवाता हूँ चाय और मैं थोड़ा हैंड वॉश कर लूँगा। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देख लिया हम लोग ग्रोसरी क्या करके आए हैं। उसके बाद एक स्कैम हुआ है हमारे साथ, तो स्कैम क्या होगा आप लोगों को दिख जाएगा। चीनी नहीं डाली बीच में, चीनी थोड़ी डालते हैं। चीनी वाला पीता हूँ नींबू पानी भी। ये देखो मेरे किस किस को चीनी वाला पसंद है, मेरे को देखी नहीं यार। ओए ये दाल है या हलीम है? वाह क्या दाल, मिक्स दाल बनाई है। चलाओ फिर इसको खाते हैं, भूख तो मेरे को भी लगी है। मेरे को तो चाय बना लो। ओए इतनी सी मेरे पेट में बोलो ना जगह, वो भी नहीं है। तो फिर मेरे दिल में भी नहीं है, मैंने मतलब मेरे पेट में नहीं है। हम लोग गए थे बाजार, मैंने वैसे नगेट्स खाए थे, फ्राइज खाए। मेरी बात सुनो, मेरे को इतने से चावल दे दो, थोड़ी सी सुबह में मैंने तुम्हारे बिना नाश्ता किया था, तो मतलब मैं रात को तुम्हारे बिना खाना खाऊंगी, ये ज्यादती नहीं मेरे ऊपर सरासर? ये बहुत ज्यादा ज्यादती है। अभी तो वहाँ पे बैठ के हमने एक साथ खाना खाया ना, तो अभी तो हम खा सकते हैं। एक काम करते हैं ना, बात सुनो ना, अच्छा बात सुनो मेरी, एक काम करते हैं, दोनों वाले आप लगा लेना, दोनों वाले मैं। नहीं मैं आपको डाल देती हूँ, खाओ। हाँ खा, नहीं मेरे को वो फिर चाय भी पीनी है ना। जान भी चाय देख मैं क्या कर रही है, ये ऐसे ही करती है, मेरे को कुछ नहीं बना के देती। अम्मा मन खरा रख दिया, मन लाइए हो तो थे ना कुछ, किन्ने वैसे पकाया है, किन्ने वैसे पकाया है। ये वाला मैं चावल और ये इसने बनाई है, या आपने अपने लिए बनाया, मेरे लिए थोड़ी ये अकेली सब कुछ खा रही है, मेरे लिए इसमें तो कुछ भी नहीं है यार। चीजें कितनी बिखरी हुई है, क्या बात है, ये ऐसे रखी हुई है आपने, इसको सेट कर लो। ये हमारे नेबर है, नेबर नहीं मेरी फ्रेंड है, इनकी दोस्त के ऊपर रहती है, उन्होंने दाल बनाई थी बहुत अच्छी है, और इनके चावल वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, जबकि बिरयानी वाले चावल समझ लो, पुलाव वाले चावल मैं दाल के ऊपर डाल के खाएं, इतना मज़ा आया। तो अभी खैर इनको बोल दो चाय बना दे, उसके बाद ना आज मुझे जल्दी सोना है यार, कल उठ के ना मुझे ये है कि मैं पोमी की शॉपिंग कम्प्लीट करके हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेगम हमारी जो है ना वीडियो अपनी एडिटिंग कर रही है, दिखाओ ज़रा, इनकी एडिटिंग जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और मेरे से कई गुना अच्छी है, और ये सही एडिटिंग करती है। थैंक यू, आपको तो मैंने सिखाई है ना। इन्होंने वैसे मुझे सिखाई है, लेकिन इनके सिखाने के बाद मैं ज़्यादा अच्छी सीख गई हूँ, ये डल हो गई उसमें। क्यों बेगम ऐसा क्यों कि मैं एडिटिंग करने लग गई हूँ, आप भूल गए सब कुछ? लेकिन आपका भाई एडिटिंग में मास्टर है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं थंबनेल भी अपनी हर एक चीज़ और एडिटिंग पूरी खुद करता हूँ, प्रॉपर ए से लेके जेड तक, कुछ भी मतलब बाहर से नहीं करवाता, तो ऐसा है। तो बस आज का व्लॉग हमारा ये वाला यहीं तक की उम्मीद कर दो, बहुत पसंद आएगा, पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों ने एक जैकेट देखी थी जो कि मुझे पसंद आई थी, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखी होगी, तो आज मैं वो लेने जाऊंगा, आई थिंक लेने जाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे कल अच्छे से व्लॉग के लिए, बाय।